भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ को लिखा है कुमार गंधर्व ने। आज मैं आपको इसकी फुल समरी विद एक्सप्लेनेशन समझा रही हूँ। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, यह पाठ व्यक्तिवृत्त है जो प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व के द्वारा रचित है। इसमें गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पाठ का सार इस प्रकार है। लेखक ने बरसों पहले बीमारी की दशा में रेडियो से एक विशेष गाना सुना था और वह आवाज़, वह स्वर उसके कलेजे में कहीं भीतर तक धंस गया था। वह उस आवाज़ को सुनता ही गया। गाने के अंत में जब उसकी गायिका का नाम सुना, लता मंगेशकर, तो वह चौंक गया। उसे लगा कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी के नए रूप में उसकी बेटी की आवाज़ प्रकट हुई है। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खान अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार लता अपने जमाने की नूरजहां जैसी गायिकाओं से कहीं आगे निकल गई। लता के गायन ने चित्रपट संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है, यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण इन्होंने बदल दिया। अब चित्रपट संगीत से लता का सधा हुआ सुरीला गाना सुनते सुनते आम लोग भी स्वर में गाने गुनगुनाने लगे हैं। उनमें संगीत की लय और सुरीलेपन की समझ बढ़ने लगी है। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास प्रसार में लता का योगदान बहुत अधिक है। शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को ही अधिक पसंद करते हैं। क्या कारण है कि लता के गाना को अधिक पसंद किया जाता है? उनका सुरीलापन, उनका मस्त करने वाला स्वर कारण है जिससे कि लोग उनके गानों को अधिक पसंद करते हैं। श्रोता को राग से कोई मीनिंग नहीं होता, वह तो सुमधुर गानपन से मतलब रखता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है। नूर जहाँ की गायकी में जहाँ एक मादक उतान होती थी, वहीं लता के स्वर में निर्मलता है। उनमें कोमलता और मुग्धता का संगम है, मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठा है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर प्रयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चार है। उनके गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों की आस से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हों। लता की यह विशेषता अनुपम है। लोग कहते हैं लता ने करुण रस के गाने बहुत गाए हैं। करुण रस यानी दुख भरे गीत। लेकिन लेखक का मत इसके विपरीत है। लेखक के अनुसार लता ने मुग्ध रस के गाने अधिक गाए हैं। मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्यम और द्रुत लय में बहुत अच्छे गाए हैं। द्रुत लय होती है तेज गति में गाना, मध्य गति होती है मध्यम आवाज में गाना। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। तीन तरह की पट्टियाँ होती हैं गायन में, प्रथम, मध्यम और उच्च। तो उच्च स्वर में गाना जो था वो लेखिका लता मंगेशकर के लिए अच्छा नहीं था, तो इसे लेखक ये कहता है कि उनसे उच्च पट्टी में गवाकर जो संगीत निर्देशक हैं उन्होंने न्याय नहीं किया। शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है,
इसकी बात कर रहे हैं। शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है, यह प्रश्न बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है। शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता प्रमुख होती है, चित्रपट संगीत में वहीं तुर, लय और चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत यानी जो फिल्मों में दिखाया जाता है का ताल आरंभिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत का परिपक्व यानी पका हुआ ताल। चित्रपट संगीत में आधे और आसान तालों का उपयोग किया जाता है, जहां गीत आघात सुलभता और लोच को महत्व दिया जाता है। जहां तक लता की बात है, उनमें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भरपूर है। लता के 3.5 मिनट के गान और 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत की महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है, यानी कि जब आप 3 घंटे किसी शास्त्रीय संगीत को सुन करके जो आपको आनंद प्राप्त होता है, वही लता के यदि आप 3 मिनट के गाने को सुन लेते हैं तो दोनों समान हैं। लता का हर गाना अपने आप में कलाकृति के समान होता है, यानी कि उनका हर गाना अपने आप में यूनिक होता है, पीस ऑफ आर्ट होता है। उसमें स्वर, लय और शब्दार्थ की त्रिवेणी होती है, त्रिवेणी यानी जिसमें 3 चीज़ें शामिल हों। वास्तव में किसी गाने का महत्व इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें रसिक को आनंद करने की सामर्थ्य कितनी है, यानी कि जो श्रोता है उसको उस गाने का आनंद कितना आ रहा है, यह इस बात पर निर्भर है, इसका महत्व होता है गाने का, कि हम सुनने वालों को उसका कितना आनंद आया या नहीं आया। लेखक का स्पष्ट मत है कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो वह नीरस होगा, यानी मनोरंजक ना हो, मन को खुश करने वाला नहीं हो अगर शास्त्रीय संगीत, तो भी वह हमें अच्छा नहीं लगेगा। गाने का गानपन भी पक्के रागों और ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी रंजकता के कारण होता है। बिना रंजकता के शास्त्रीय संगीत मनुष्य के अस्थि पिंजर के समान होता है, यानी मनुष्य में यदि मांस नहीं हो, ओनली हड्डियां ही हड्डियां हों, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। उसी प्रकार बिना मनोरंजन के कोई भी गाना यदि है तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है, यानी गाने में रंजकता का होना आवश्यक है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान किसी खानदानी गायक के समान अव्वल माना जाना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया, क्या लता शास्त्रीय गायकों की तरह 3 घंटे संगीत की महफिल जमा सकती हैं? लेखक उन्हीं से प्रश्न करता है बदले में कि क्या कोई शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अवधि में ही लता जैसी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकता है? शास्त्रीय गायक प्रायः चित्रपट संगीत पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने जनरुचि को बिगाड़ दिया है। लेखक कहता है कि उल्टे चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचि को सुधारा है, कि लोग इसमें रुचि लेने लगे हैं। लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट तरह के प्राणी हैं, यानी वो अपने आप में ही खुश हैं, आत्म प्रशंसा करते हैं। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि लता क्या कर सकती हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखी है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं चाहिए, यानी कि उन्हें शास्त्रीय संगीत से इतना लगाव नहीं है, वह नीरस लगता है, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। 3 घंटे का समय नहीं है कि श्रोता बैठ करके 3 घंटे तक गाने का आनंद ले सकें। आज की भागदौड़ जिंदगी में वो 3 मिनट में ही अपना भावपूर्ण गाना सुन करके उसका आनंद उठा लेना चाहते हैं।
चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की हैं। यहाँ नवनिर्माण की संभावनाएं भी बहुत हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है, उसमें अनेक अलक्षित प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है, यानी कि अभी भी हम उसमें बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। लता चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त सम्राज्ञी हैं, वो उनका कोई मुकाबला नहीं है, ऐसी वो रानी है। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी तक वे जनमन पर छाई हुई हैं। यह एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल बटन का बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके।